कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, स्कर्ट के नीचे जूते, क्या मतलब कितना स्मार्ट लग रहा हूँ आज मैं यार। मुझे डर है कि कहीं यूके की लड़कियां ना घायल हो जाए। हम जब इमिग्रेशन की लाइन में भी खड़े होते हैं तो हम सबको भीख मांग के बजाते हैं, सर हमारी फ्लाइट है हमें जाने दीजिए, हमारी फ्लाइट है हमें जाने दीजिए। लेकिन आज हम इतने स्वाभिमान से खड़े हुए इमिग्रेशन की लाइन में कि जी नहीं, अच्छा ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल की यंग जनरेशन से, बिकॉज आजकल की यंग जनरेशन बच्चे के मामले में सोचती है कि बच्चा नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए बच्चा करिए आप तो उससे बहुत एडवांटेज है, एयरपोर्ट की लाइन में आप आगे, मेट्रो की लाइन में आप आगे, सिक्योरिटी की लाइन में आप आगे। सो यूज योर बेबीज फॉर ऑल दिस पर्पसेस लाइक ही डज। शादीशुदा होने का एक और फायदा, सो दैट इज ऑन पॉइंट, हर डाइट इज ऑल्सो ऑन पॉइंट, बट शी इज नॉट ऑन पॉइंट, रसबरीज डाइट इज ऑल्सो ऑन पॉइंट। जैसा कि मोटे ने पिछले मेरे ब्लॉग में कहा था कि अब मेरे से पर ब्लॉग का चार्ज करेगी, क्योंकि मैं आपको इतना फुटेज दे रहा हूँ, इतने फेमस हो रहे हैं आप, तो मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या तुम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो? कॉम्प्रोमाइज तो मैंने किया था जब मैं तुमको शादी में देखने गया था ना, इतने नुकीले दांत ऐसे ऐसे हंसती है, जब मैं देखने गया उसको मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि उस समय मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट करता था, मेरे को पीठ में खुजली नहीं हो पाती थी, मेरे हाथ पहुँचते नहीं थे, मैंने देखा इसके इतने नुकीले दांत भी तो अच्छे से मेरे पीठ खुजा दी, तो मैंने इसलिए हाँ कर दी शादी के लिए। हेलो सर, हाय कैसे हैं आप? तो गाइस आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है पापा बनने की, बिकॉज वी गॉट द फ्रंट सीट जहाँ पैसनेट होती बच्चे की, लुक एट द लेग स्पेस वी हैव। So this is the Airbus 380 aircraft and which is the biggest passenger carrying aircraft right now. हम जो fly करते हैं aircraft, उसका total weight होता है उस aircraft का around 70 tons maximum takeoff weight. इस aircraft में सिर्फ fuel पड़ता है 170 to 200 tons. So imagine the size of this aircraft. This trip is about to begin. मुझे shopping कराओगे? मैं अभी change किसके director रोक दूँगा shopping कराओगे? वो मैं अपने पैसों से देता, आपने कब दिलाया ये बताओ? तो तेरे पैसे मेरे पैसे एक ही हैं। पैसे तो एक ही, लेकिन दिला तो दो कभी। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने भी किया। ये कूड़ा उठा लो मेरे घर का, फिर जाओ। बिल्कुल नो एक्सप्रेशन है जहाज में। शिव जी की मूर्ति के ऊपर से निकलेगा ये, चेक कर देना। चेक कर दूंगा। आई मस्ट से अबाउट दिस एयरबस 380, द इंजन्स आर वेरी वेरी क्वाइट, इनफैक्ट एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। एक्चुअली आपका फटीग लेवल कम्स डाउन अ लॉट, आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे वो नॉइजी होता है ना, यू गेट फटीग्ड अ लॉट, स्पेशली द वाइब्रेशन। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वाइब्रेशन अच्छे लगते हैं। नहीं मेरा मतलब था कान में लाइक दिस। तुम भी यार, ये तो हर चीज में रोमांटिक हो जाती है। इस प्लेन में तो डबल एच में कैसे आती है? अजी सुनते हो? प्यार से अभी डबल एच आती, प्यार से आती है। उठिए ना, थोड़ा हिल लो ना, हमारा नाम टर्बुलेंस है, थोड़ा सा हिल दीजिए ना सर, और हमारे जहाजों में अरे उठ। सेवन आवर्स हो चुके हैं, सुबह हो चुकी है और रसबरी अपना गाने का रियाज कर रही है। रसबरी कौन सा गाना गा रहे हो? इसने उल्टी पजामे पहनी है। उल्टी है क्या? किडू आपने बनाई थी यार, आई कैन बिलीव आपने इसको उल्टी पजामे बना दिया। मैंने उल्टी बना दी क्या? नहीं, ये देखो ये अंधे बाबा बेचारी बच्ची को उल्टी पजामे बना दिया है। पापा लोग तो यही होते हैं। हाँ जी माता रानी, कौन सा गाना गा रहे हो? This is really nice meeting you. Yes. So yeah, this year already? Let's hope so. Let's hope so. I think over it all the same, no? Yeah very much the same. Some more fuel pumps, some more fire indications. So that's
This is how Christmas looks like in the cockpit, right? That red color I don't like very much in the cockpit. That was the 380 cockpit. So guys, that was the cockpit of A380. Space-wise, it was like jitna 320 ka hota, utna hi bada tha. But function-wise, obviously, bahut sare advanced function hai. Aur cockpit se nikalte hi, aapne dekha right side mein ek bunk bed tha. So this was our flight, Lufthansa. Lovely service. दो चीजें करूंगा, या तो मैं पायलट बनूंगा या फिर ट्रेन का लोको पायलट. मतलब मुझे उसका भी बहुत शौक था. मुझे ये था कि व्यू अच्छा है, चाहे प्लेन से चाहे ट्रेन से, मुझे व्यू चाहिए था बाहर का. रिलैक्सिंग सीट्स, इसको हम अभी विश्राम कक्ष बनाएंगे. प्रिय, हम तुम्हें अपने कक्ष में आमंत्रण देते हैं. सूर्यास्त के बाद आओ, महफिल जमाई जाए. जो तुम कॉम्प्रोमाइज करने को कह रही थी, सूर्यास्त के बाद करते हैं कॉम्प्रोमाइज. हाँ, अरे यार, ये तो विक्रम से बेचे. मतलब इजी को उठा के करके ले तुमने. रेसबेरीज ईटिंग स्वीट पोटैटो. नहीं, मेरा बहुत मीठा हो गया, मैं नहीं खाऊंगा. अरे बहुत मीठा खा गया यार. अरे नहीं खाना यार. नहीं, काम करते हैं, एक काम करते हैं, फ्लाइट के वापस चलते हैं. एक आस मिनट से छिलपटरी पैक करा के लाते हैं, वो खाते हैं. यहीं बैठ के खा लो तुम आराम से पूरा अपना. भाई साहब, टाइम हो गया है, अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ से निकलो. मैडम, हम तशरीफ उठाते हैं तो सिर्फ पादने के लिए. लाइक दिस. के साथ प्रायोरिटी. ये तो है, मैं तो कहता हूँ हर समय एक छोटा रखो, बड़ा हो जाए फिर एक करो. मतलब जिंदगी भर 60 के भी होगा, एक छोटा रखो प्रायोरिटी के लिए. दिस इज योर प्रायोरिटी पास है. लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं प्रायोरिटी के लिए, हम बच्चा कर लेते हैं. जब हम घर से निकलते हैं ट्रिप के लिए, तो मैं रुतु को डांटता हूँ कि इतनी मेहनत क्यों करती हो, क्यों इतना खराब बनाती हो. बच्चा भूख लगती है ना, तो उसका बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है. और फिर तभी मेरी मम्मी की याद भी आती है, मम्मी भी ऐसी करती थी. ईट हेल्दी रादर दैन ईटिंग गंद. Hey, Guriya. एक्चुअली 10 मिनट के लिए बहुत लंबा ट्रैवल हो गया. मेरा बच्चा थक गया है ना, अब पापा राजेश्वरी का डायपर चेंज कर देंगे बिल्कुल फले फले से. This final destination which is Manchester. Bag बहुत सारे अपने पास. I'll take these. आप एक bag ले लो. And now we are going back to the hotel. अब actually इतने tired हो चुके हैं कि नींद भी जा चुकी है. So it's like यहाँ पे सर्दियों में सूरज नहीं निकलता, टेलीस्कोप लेके देखना पड़ता है कहाँ पे. यार लेकिन मतलब सूरज नहीं निकलता बहुत बड़ी बात है, पता है. तो शाहरुख खान की तो डाली निकलेगी, सूरज हुआ मध्यम करके लड़कियां पटाता है वो. कैसे करेगा. दिस इज आवर रूम, राजेश्वरी इज एंजॉयिंग, एंड दिस इज द बैसिनेट फॉर राजेश्वरी. इसमें मेरा चिकलू सो जाएगा. एंड प्रीटी डिसेंट रूम. नाउ आई एम गोना हैव अ फन टाइम विद माय चिकलू. ओ मेरा चिकलू. ए चिकलू. राजेश्वरी, ओ गिर गए पापा, फिर गए. ए गिगलू. ऋतु राठी ने तो धोखा दे दिया, वो सो चुकी है. मैंने कहा मैं बाहर अकेले जाता हूँ इतनी ठंड में, अगर मैं बिना जैकेट के बाहर गया. मच बेटर ना. सो गाइस, दैट्स द सिटी ट्रैम. तो मैं कल जरूर बैठूंगा, बिकॉज मेरे को बहुत मन था. कोलकाता में ट्रैम में मेरे को बैठने का बहुत मन था, कभी मौका नहीं मिला. बट आई एम नॉट श्योर कोलकाता की ट्रैम अभी चलती है कि नहीं. बट वाव, द मौसम अमेजिंग है यहाँ पे यार. और आई एम जस्ट मिसिंग ऋतु, वो भी आती तो अच्छा होता. बट वो बहुत टाइट थी. क्या होता है कि एयरक्राफ्ट में मैं तो सो जाता हूँ, बच्चे की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती. सो शी टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल. सो शी गेट्स रियली टायर्ड बिकॉज बच्चा बार बार उठाता है. बस ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. एंड दिस इज़ माई सेकेंड ट्रिप टू द यूके, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं था 2014 में, तब मैं ट्रेनिंग करने को आया था. मुझे ट्रैम बहुत पसंद आ रही, कल मैं ट्रैवल करूँगा. बट ये भी शॉर्ट ट्रिप है. मैं यहाँ पे तो मैच देखने आया हूँ. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करूँगा पता होगा कि आई एम हियर फॉर द मैच विच इज़ मैन सिटी एंड लिवरपूल टुमारो. सो इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो फॉलो कर लो. नेक्स्ट व्लॉग होगा शायद कल आया परसों आया, जब भी है. नेक्स्ट व्लॉग विल बी द फुटबॉल मैच एंड वी हैव एक्सक्लूसिव एक्सेस टू ऑल द थिंग्स. सो वॉच आउट फॉर दैट व्लॉग. विल गो टू एतिहाद स्टेडियम, विल मीट द टीम. उसके बाद जो एक दिन है हमारे पास मैनचेस्टर में, उसमें मैं और ऋतु मजे करेंगे.
गाइस दिस इज दी पिकाडिली ट्रेन स्टेशन. सो यहाँ से सारी ट्रेन बन जाती है, आपको देख रहे हैं यहाँ पे. ये बहुत बड़ा स्टेशन है, मॉल भी अंदर ही है यहाँ पे. अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू ईट समथिंग, थोड़ा सा. ओ आई फाउंड सैंसबरी लोकल. ठीक है, यहाँ से कुछ लेते हैं और ब्लॉक पॉइंट करते हैं यहीं पे, बिकॉज बहुत थकान हो चुकी है. एक्चुअली हम लोग होटल रूम आए थे, इट वॉज ओनली 5 इन द इवनिंग, बट इट वॉज पिच डार्क. सो दैट्स इट गाइस, प्लीज लाइक द वीडियो, लाइक करके जाना, बिकॉज अगले 2 व्लॉग्स बहुत ही मस्त होने वाले. बेल दबा देना, बिकॉज जैसी वीडियो आएंगे आपको पता चल जाएगा. थैंक यू वंस अगेन, बाय, टेक केयर, नमस्कार.